गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने पार्ट ए और पार्ट दो तो अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट तीन, अपनी वस्तु। इसमें प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आपसे प्रेम और भाईचारे के बारे में बताया है। एक महात्मा किस प्रकार दो भाइयों के झगड़े को शांति और संयम से दूर करके उन्हें प्रेम से साथ रहने का सबक सिखाते हैं, उन्हें अपने पर प्रेम, अच्छे कर्म करने का महत्व भी समझाते हैं। तो एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। तो और आपस में बोलते हुए सुना, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, दोनों भूमि को अपना बता रहे थे। दोनों कह रहे थे कि वही उसके स्वामी है। दोनों वो कह रहा था मैं उसका स्वामी हूँ, वो कह रहा था मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो महात्मा जी ने सोचा कि दोनों तो व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे, अपने प्राण गवा देंगे। अतः दोनों में सुलह करवाने के लिए महात्मा जी उनके पास गए और पास आकर उनसे कहा कि हे भद्र पुरुषो, तुम दोनों कौन हो और आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो महात्मा जी को एक व्यक्ति ने बताया कि वे दोनों तो भाई हैं और पिताजी ने मरते समय ये भूमि मेरे नाम की थी। तो दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोला कि यह व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है, यह भूमि तो इसके भाग में नहीं आती है, इसलिए इसका असली मालिक तो मैं हूँ। महात्मा जी बोले, दोनों ही अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, ऐसे तो निर्णय करना बहुत कठिन होता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि जिस भूमि के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो उस भूमि से ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। तो दोनों ने कहा कि भूमि भी कोई बोलती है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो महात्मा जी बोले, अवश्य बोलती है, पर उसकी आवाज तुम नहीं सुन सकते हो। महात्मा जी ने तिकड़म लगाई कि ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा मिटाएंगे नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, भूमि बोलती है, तुम लोग नहीं सुन सकते, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ कि भूमि क्या बोल रही है। तो महात्मा जी सुन सकते हैं, तो ये निर्णय तुम दोनों को मानना होगा, जो भी भूमि बोलेगी ये सारा निर्णय तुम लोगों को मानना होगा। तो दोनों भाई राजी हो गए। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले उन्हें बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन करना चाहते हैं। तो दोनों बोले कि पहले तो निर्णय हो जाए, फिर उन्हें रटकर खाना भी खिला देंगे। पर महात्मा जी ने कहा, मैं तो पहले खाना खाऊंगा और भोजन होने पर ही मन मस्तिष्क तो कुछ ठिकाने पर आएगा, इसलिए तो पहले उन दोनों को अपने घर से भोजन लाने के लिए उन्होंने एक पेड़ लाने के लिए बोला। और वह महात्मा जी तो एक पेड़ की छाया में बैठ गए, क्योंकि इसका ऐसा उद्देश्य था कि महात्मा जी चाहते कि दोनों का सुलह शांति से हो जाए, फिर उनका अच्छे से बंटवारा करते, नहीं तो आपस में लड़ लड़ के मर जाते। तो इसका अगला भाग मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।